सभी को नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हैदराबाद में जितने स्टार होटल्स हैं, नॉन स्टार होटल्स हैं, फंक्शन हॉल, बार, रेस्टोरेंट ओनर्स सबके साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नए साल के लिए जो सेलिब्रेशन होता है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के रात को, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और सभी होटल ऑपरेटर्स, ओनर्स, सभी को यह बताया गया कि हमेशा हर साल की तरह रात को 1 बजे तक परमिशन है पार्टी का और फंक्शन का, 1 बजे के बाद परमिशन नहीं है। इसीलिए सभी लोग 1 बजे तक अपना फंक्शन, अपना प्रोग्राम, सेलिब्रेशन होटल में या फंक्शन हॉल में बंद कर देंगे। उसके साथ जो अंदर जहां भी गैदरिंग ज्यादा रहता है, उन लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी मैन अपना इंतजाम करेंगे सभी होटल के तरफ से। हर होटल का अपना जो कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी 400 का है तो 400 लोग ही बुलाएं। ज्यादा लोगों को बुला देने से ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है और पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है। इसके अलावा माइनर को ड्रिंक सर्व नहीं करना है। माइनर को लिकर या किसी तरीके का अल्कोहल एज पर लॉ वो बैंड है, वो नहीं देना चाहिए। और अगर हमारे नोटिस में कुछ ऐसा केस आता है जिसमें माइनर को लिकर सर्व करने का जिक्र होगा तो हम लोग मैनेजमेंट और ओनर के खिलाफ केस बुक करेंगे। न्यू ईयर में कभी कभी नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और ड्रग्स का भी यूज होता है, और अगर इस तरीके का खबर अगर हम लोगों को मिला तो हम लोग इमीडिएटली उसको रेड करेंगे एंड वी विल बुक केसेस एंड अरेस्ट द पर्सन। किसी भी तरह का इंडिसेंसी, वल्गर या न्यू डांस की उसकी इजाजत नहीं है। और सभी होटल ओनर्स, पब ओनर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो सीसीटीवी कैमरा लगाने का नियम है, जिसमें कि पार्किंग प्लेसेस में और एंट्री और एग्जिट में हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना, उनको भी उस दिन जरूर लगाना है सभी लोगों को। उस दिन हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी पुलिस ऑफिसर्स, फ्रॉम होमगार्ड ऑफिसर्स टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, सभी लोग ड्यूटी पर रहेंगे। पूरे एडिशनल सीपीस, जॉइंट सीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, सभी लोग पूरी रात पेट्रोलिंग करेंगे रोड पर जब तक कि पूरा क्राउड डिस्पर्स नहीं हो। खास करके शी टीम का डिप्लॉयमेंट हर इम्पोर्टेंट एरिया में रहेगा, जिसमें कि विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान रहे। नेक्स्ट डे और उस दिन रात को भी चर्चेस के पास प्रेयर के लिए लोग आएंगे। नेक्स्ट डे सुबह मंदिर में या मस्जिद में जहां भीड़ होगी वहां भी लोग रहेंगे, उनके लिए भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे तरफ से इंतजाम किए जाएंगे। थैंक यू।